क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, यहाँ भी कह रहा है कि 10 का एक नंबर है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु ये तथा 1 1 जो है ये संरेखी है। तो यहाँ लिख लेंगे कि माना ए कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमा जीरो, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, बी 0 sec² θ तथा सी 1 1 तीन बिंदुए हैं, ठीक है। ये हम लोग मान लिए। अब मैं लिखेंगे ना दूरी सूत्र क्या होता है, यहाँ लगा देंगे दूरी सूत्र, तो होता है दूरी सूत्र रूट अंडर x2 - x1² + y2 - y1² यही ना होता है फॉर्मूला। चलिए ए बी निकालते हैं, पहले ए बी से शुरू करते हैं। चलिए यहाँ हो जाएगा आपका 0 - cosec² θ + sec² θ - 0² तो यहाँ तो हो जाएगा आपका क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा ही ना। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना आपका। तो यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, यहाँ जब स्क्वायर है, सॉरी यहाँ देखिए भूल गए थे, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे ना यहाँ पे, और यहाँ भी स्क्वायर का स्क्वायर होगा। तो इतना क्लियर हो गया। देखिए इसमें ये क्या है कि हम लोग यहाँ पे x1 x2 - x1 देख रहे हैं ना, होल स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, वैसे ही x2 - है ना, यहाँ पे y2 - y1 कर दिए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब जीरो में से ये घटाएंगे तो यही आएगा, यहाँ भी यही आएगा। अब देखिए यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो इसको हम लोग 1 cot² θ लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, प्लस इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 tan² θ, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ हम इसको टेन में बदलेंगे, हर एक टर्म को इसमें टेन में ही लेके चला जाएगा, 1 + 1/10² θ लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया यहाँ पे, इसको 1 tan² θ² ठीक है। अब देखिए यहाँ एलसीएम लीजिएगा, किसका लंबाई निकाल रहे हैं, ए भी ना निकाल रहे हैं, यहाँ हो जाएगा tan² θ, यहाँ हो जाएगा tan² θ + 1² और plus 1 tan² θ² तो देखिए यहाँ दोनों जगह 1 tan² θ² है और यहाँ भी है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं, 1 tan² θ² तो यहाँ बच जाएगा 1/10⁴ हो जाएगा ना, 10⁴θ और प्लस यहाँ बच जाएगा आपका 1, ठीक है। इसको रूट से बाहर निकाल देंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो बच जाएगा 1 tan² θ और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 10⁴θ 1 tan⁴θ ये भी बाहर निकलेगा। चलिए तो आप चाहे तो इसका भी लगा सकते हैं ना फॉर्मूला, ये तो हो जाएगा sec² θ और ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 10² हो जाएगा क्योंकि पावर 4 था। चलिए और रूट के अंदर बचिए आपका 1 tan⁴θ, ये ए बी की लंबाई आ गया। अब निकालेंगे किसको, अब बी सी को निकाल लेते हैं, तो यहाँ देखिए बी सी यानी 1 - 0 और 1 - sec² ये ना होगा, यहाँ पे अब निकालेंगे बी सी, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 - 0² और प्लस 1 - sec² θ² ये ना होगा। देख लीजिए यहाँ पे फिर से 1 - 0 और 1 - sec² θ और स्क्वायर तो रहेगा ही ना, होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखिए ये आपका तो 1 ही हो जाएगा, 1 का² 1 और प्लस यहाँ देखिए इसको तोड़ सकते हैं ना फॉर्मूले पे, दूसरा काम भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं sec² θ - 1² दोनों के मान में कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं फर्क आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना ऊपर, तो दोनों का मान एक ही होगा, इसलिए ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं देखिए समझिए क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है sec² θ - 1, टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, तो tan² θ और इस पे ये जो स्क्वायर है तो रहेगा ही, यानी अब यहाँ हो जाएगा 1 tan⁴θ, ये भी देखिए इसी के फॉर्म पे आ गया। अब चलिए इसके बाद आपका बच गया ए सी, तो ए सी बराबर देख लेते हैं, चलते हैं ए सी के लिए, तो ए सी का निकलेगा ये रहा है ना, तो cosec² θ - 1 और 0 - 1, चलिए यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, cosec² θ - 1² और प्लस 0 - 1²
ये तो फॉर्मूला होता है इसका, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसका फॉर्मूला होता है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये घटेगा तो माइनस वन का स्क्वायर वन ही होगा। यानी देखिए ये हो जाएगा आपका कॉट का पावर फोर थीटा प्लस वन, तो इसको भी टेन में बदल दीजिए, यहाँ हो जाएगा वन बाई टेन का पावर फोर थीटा और प्लस वन, यहाँ एलसीएम ले ले अंदर, टेन का पावर फोर थीटा, यहाँ वन प्लस टेन का पावर फोर थीटा, ये आपका बाहर निकल जाएगा। आप तो यहाँ से ए सी बराबर लिख देंगे, यहाँ से ये बाहर निकलेगा, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर वन प्लस टेन का पावर फोर थीटा और बटा में आपका टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए आगे संरेखित दिखाना है, तो यहाँ देखिए बी सी को और ए सी को जोड़ लेते हैं, तो नीचे लिख देंगे बी सी प्लस में ए सी, ठीक है, बी सी प्लस में ए सी, तो बी सी का मान क्या है, तो ऊपर ही ना अभी निकालें, बी सी का मान ये रहा रूट अंडर वन प्लस टेन का पावर फोर थीटा, वन प्लस टेन का पावर फोर थीटा, और प्लस ए सी का मान ये रहा रूट अंडर वन प्लस टेन का पावर फोर थीटा और बटा में टेन स्क्वायर थीटा, इसमें ये कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, यहाँ वन और माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, और यहाँ वन बाई टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बाहर निकल गया रूट अंडर वन प्लस टेन का पावर फोर थीटा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में वन और रूट अंडर वन प्लस टेन का पावर फोर थीटा, तो ऊपर फॉर्मूला ना हो गया किसका, सेक का, चलिए तो सेक स्क्वायर थीटा बटा में टेन स्क्वायर थीटा और रूट अंडर वन प्लस टेन का पावर फोर थीटा, ये किसका वैल्यू आया था ऊपर, ए बी का ही ना आया था, ये आपका ए बी का वैल्यू ऊपर हम लोग लाए थे ना, इसलिए अब यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए ए बी तथा सी संरेखीय है, संरेखी है, ये आपका साबित हो गया। तो इस वीडियो का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा दें, और ज़्यादा लिंक के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।